नमस्कार दोस्तों, शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आबीयू चैप्टर में जो क्लास ट्वेल्थ में चल रहा है उसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 3.2। इस प्रश्नावली को करने से पहले हमने जितना भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यानी कि आबीयूओं का गुणनफल से संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने सिखा दिया है। अब जो है हम इसमें सीधे प्रश्नावली 3.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि एक आबीयू ए बी सी तीनों ही जो आबीयू है 2x2 ऑर्डर का है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों a प्लस बी, ए माइनस बी, थ्री ए माइनस सी, ए बी। ए बी का मतलब हुआ कि a इंटू बी, बी ए मतलब b इंटू ए। देखिए ये क्वेश्चन वन जो है बहुत ही आसान है, इसको अगर आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, चूंकि पहला क्वेश्चन है तो इसे हम बता देते हैं। a प्लस बी, दो आबीयूओं को ऐड करना, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। जो इसमें पहला चीज बताना है a प्लस बी, सबको पता है दोस्तों कि जो आबीयूओं का योग होता है वो संगत अवयव यानी कि यहाँ का एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, 2 ऐड होगा 3 के साथ तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 4 ऐड होगा 3 के साथ हो जाएगा 7, 3 ऐड होगा -2 के साथ तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और 2 ऐड होगा 5 के साथ तो हो जाएगा 7। यानी कि आबीयूओं का योग हम बताए थे कि दो आबीयू कैसे जुड़ते हैं। सबसे पहली चीज जो है, दो आबीयू तभी जुड़ते हैं जब दोनों आबीयूओं का जो ऑर्डर यानी कि कोटि जो है समान हो। देखिए यहाँ पे आबीयू ए और बी दोनों ही समान कोटि के थे, यानी कि 2x2 ऑर्डर का आबीयू ए, 2x2 ऑर्डर का, तो यहाँ से ए प्लस बी संभव हो पाया। दूसरा जो है ए माइनस बी, जैसे ए प्लस बी हुआ है वैसे ए माइनस बी होगा, ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या होता है कि ए माइनस बी के यहाँ का एलिमेंट इसके साथ, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक ना। इधर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिल जाता है, ये एलिमेंट इसके साथ घटेगा, ठीक है, और ये इसके साथ और ये इसके साथ, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए ये जो चीज है 2, 1 के साथ घट जाएगा, तो यहाँ पे अगर 2, 1 के साथ घटेगा, पहले हम लिख देते हैं 2-1, क्लियर है, 4-3, यहाँ पे हो जाएगा 4-3, यहाँ पे हो जाएगा 3-, यहाँ पे है -2, और यहाँ पे क्या है 2-5, क्लियर है। तो ये चीज बहुत आसान है, इसको आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा -3। तो ये हुआ दो आबीयूओं का घटाना, यानी कि दो आबीयू कैसे घटाते हैं, जैसे जोड़ते हैं उसी तरह से घटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 हमें बताना है 3a-c। देखिए 3a-c बताना है, इसका मतलब जो आबीयू ए है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि जो आबीयू ए है ये हमारा क्या है 2, 4। आप क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपके पास नहीं होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं ताकि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 3a-c, ए हमारा क्या है 2, 4, 3, 2, और -c हमारा अभी क्या है, यहाँ पे हमने नोट किया हुआ है -2, 5, 3, 4। देखिए एक्सरसाइज जब हम करेंगे, कॉन्सेप्ट जब आप सीख लेंगे तभी एक्सरसाइज को करने में मजा आएगा, ठीक है। तो ये जो चीज है, हम ज्यादा बच्चों से ये चीज नहीं कहते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़िए, लेकिन कुछ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन करते चल दिए और कॉन्सेप्ट सीखते जाइए, ठीक ना, कि आबीयूओं का गुणनफल कैसे होता है, दो आबीयूओं का जोड़ कैसे होता है, घटाना कैसे होता है, सारी चीजें अगर आप जानते रहेंगे तो कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एकदम आपको बहुत इजी वे में पढ़ाया जाएगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि एकदम लल्लन टॉप तरीके से, एकदम इजी, कोई बहुत ज्यादा कठिन मैथमेटिक्स आपको नहीं सिखाई जा रही है। देखिए हम लोग सिखाए थे, हम बताए थे कि जब भी किसी स्केलर का मल्टीप्लाई होता है किसी आबीयू में, तो ये जो थ्री है हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो 3 होगा दोस्तों, हर एलिमेंट के साथ होगा, 2 के साथ हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 के साथ, 4 के साथ होगा 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, क्लियर है। और यहाँ पे जो -c है, c2 उसी तरह से रहेगा। इसके बाद क्या होगा, दो आबीयूओं का घटाना, यानी कि 6 घटेगा -2 के साथ तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 12 घटेगा 5 के साथ 7 हो जाएगा, 9 घटेगा 3, 9 में से 3 जाएगा 6, और 6 में से 4 जाएगा 2। तो ये है भैया हमारा 3a-c। अगला जो है इसमें चौथा चीज हमें बताना है कि a इंटू बी। देखिए पहला क्वेश्चन है, चूंकि हम इसे छोड़ेंगे नहीं क्योंकि पहला क्वेश्चन आपको करना जरूरी है, तो चौथा चीज है a इंटू बी, उसके बाद b इंटू ए आप खुद से कर लेंगे। a इंटू बी क्या है, यानी कि आबीयू a का b के साथ मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे आबीयू a है, आबीयू b है। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, हमेशा रो टू कॉलम यानी कि पंक्ति से स्तंभ की तरफ होता है। तो सबसे पहला जो इसका मल्टीप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मल्टीप्लीकेशन बाकी सब तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा
टू ये पंक्ति उठाएंगे जब इस स्थान पे रखेंगे तो टू पड़ेगा वन पे, जो एलिमेंट जिस पे पड़ेगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे टू पड़ेगा वन पे तो वन के साथ मल्टीप्लाई होगा टू हो जाएगा, अब फोर पड़ेगा माइनस टू पे तो ये हो जाएगा माइनस एट, ठीक है। अब देखिए फिर से आर वन को उठाएंगे इस पे रख देंगे सी टू पे, ये दूसरी वाले पंक्ति पे, तो टू पड़ेगा थ्री पे तो सिक्स हो जाएगा, और चार पड़ेगा पांच पे तो चार पांच से बीस, ये दोनों एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे उठाएंगे आर टू को फिर से रखेंगे किस पे, सी वन पे, आर टू को उठाएंगे सी वन पे रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री पड़ेगा वन पे तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री, और टू पड़ेगा माइनस फोर पे, माइनस टू पे तो माइनस फोर हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पे आर टू को उठाएंगे इस पे रखेंगे, क्लियर है, तो थ्री पड़ेगा थ्री पे तो यहाँ पे हो जाएगा नाइन, और टू पड़ेगा फाइव पे दो पाँच से दस, ये चीज हमारा हुआ, क्लियर है। तो ये चीज आप आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस सिक्स माइनस सिक्स, ये हो जाएगा बीस छः छब्बीस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन, और यहाँ पे हो जाएगा उन्नीस, ये चीज हमारा हुआ ए इन टू बी, ठीक ना। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये आगे आने वाला यही चीज है जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों अब जो है इसमें जो बताना है वो हमें बताना है बी इन टू ए, यानी कि पहले आप व्यू बी को लिखेंगे उसके बाद आप व्यू ए को लिखेंगे, तो वही चीज है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फिर से रूट टू कॉलम। दोस्तों अगर ये सेशन अगर आपको इस क्षेत्र पसंद आ रहा है तो प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिए, हजार हजार बच्चे देखते हैं लेकिन लाइक जो है मात्र 100 ही आता है, लाइक ठोकने में क्या जाता है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, मतलब कैलकुलेट करना है, ठीक ना, ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर टू, इसमें एक आव्यूह ए है एक आव्यूह, इसको समझिए कि एक आव्यूह दोनों आव्यूहों को जोड़ना है, बहुत आसान है, ठीक है। कैसे होगा, इसको तुरंत यही पे हम कर दे रहे हैं, ये चीज हमारा हो जाएगा ए ए के साथ ऐड होगा तो यहाँ पे टू ए हो जाएगा, बी बी के साथ ऐड होगा टू बी हो जाएगा, माइनस बी बी के साथ ऐड होगा जीरो हो जाएगा, ए और ए के साथ ऐड होगा तो टू ए हो जाएगा, क्लियर है। तो दो आव्यूहों को जोड़ना घटाना ये बहुत ही आसान है, ठीक ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हम यहाँ पे अच्छे से दिखा देते हैं, सारे क्वेश्चन आपको कर ले जाना है। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर आपको थोड़ा सा फोर प्रॉब्लम कर बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर फोर बता देते हैं, दूसरे का चौथा। इसमें देखिए दो आव्यूह, एक आव्यूह है टू क्रॉस टू ऑर्डर का, एक आव्यूह टू क्रॉस टू ऑर्डर का है, बहुत ही आसान है, दोनों को ऐड करना है। सबको पता है कि जो एडिशन है वो करस्पॉन्डिंग होता है, यानी कि यहाँ का एलिमेंट सबको पता है, यहाँ का एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको आप नोट कर देते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स ऐड हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, सारे के सारे जो ये हैं सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे भी वन यहाँ पे भी वन, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है तो ये हो गया वन, यहाँ पे वन यहाँ पे वन और यहाँ पे वन, ठीक है। ये टू क्रॉस टू ऑर्डर का आव्यूह था, तो दो आव्यूह जब टू क्रॉस टू ऑर्डर के होंगे तो जो ऐड होने पे टू क्रॉस टू ऑर्डर का ही दो आव्यूह बनेगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरे में चौथा हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, देखिए निर्दर्शित गुणनफल परिकलित, कुल मिला के जो निम्नलिखित में ये क्वेश्चन नंबर एक से लेके छः तक में हमें क्या करना है, आव्यूहों का गुणनफल बताना है, ठीक है। तो गुणनफल तो मैंने बहुत सिखा दिया है क्वेश्चन नंबर, लेकिन इसमें पहला हम कर देते हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। तो इसमें गुणा ही करना है कुल मिला के, इसमें बहुत कठिन चीज़ नहीं है। इसमें क्या है, एक आव्यूह ए है एक आव्यूह बी, समझिए दोनों का हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो ये सबको पता है कि जो आव्यूहों का गुणा होता है, ठीक है, इसमें जो बच्चे जो है कमेंट करके बता नहीं रहे, जो क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं ना उसे कुछ किसी बच्चे का रिस्पांस नहीं आता कि हाँ सर लगा या नहीं लगा। देखिए इस चक्कर में मत पड़िए कि लॉकडाउन खुलेगा तो सारी चीज़ें, जो बच्चे पहले से पढ़ते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है ऑनलाइन एजुकेशन पे काफ़ी फोकस कर रही है, बहुत स्कूलों में पढ़ाया भी जा रहा है, बहुत जगहों पर नहीं पढ़ाया जा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से चीज़ों को ले रहे हैं, ठीक ना। कोई भी सिलेबस कहीं पे भी कुछ कम नहीं होगा, ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे कवर करते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सबको पता है कि यहाँ से ये आर वन को उठाएंगे पहले रखेंगे किस पे, सी वन पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ए पड़ेगा ए पे तो ये हो जाएगा भैया ए स्क्वायर, बी पड़ेगा बी पे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं। फिर से वही काम,
ये उठाएंगे, आर वन उठाएंगे, आप किस पे रखेंगे, ये रखेंगे, ये हमारा है आर टू। ए पड़ेगा माइनस बी पे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, अब बी पड़ेगा ए पे तो यहाँ पे प्लस लगा के बी इंटू, जो एलिमेंट जिस पे पड़ेगा उसके साथ मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाता है। अब क्या करेंगे इसमें, इसके बाद जो है हमारा ई, इसको उठा लेते हैं आर टू, आर टू उठाएंगे फिर से क्या रखेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सी वन के साथ, तो ये माइनस बी पड़ेगा ए पे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी इंटू ए, अब प्लस ए पड़ेगा बी पे तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी, क्लियर है। फिर से आर टू उठाएंगे तो हम इस पे साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस बी पड़ेगा माइनस बी के साथ तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ए पड़ेगा ए के साथ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, क्लियर है। तो बहुत ही आसान है। अब ये चीज क्या है, माइनस ए बी प्लस ए तो ये जीरो हो जाएगा, ये चीज जीरो हो जाएगा, ठीक ना, ये प्लस माइनस सेम नंबर है, ये प्लस माइनस सेम नंबर है तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा टू क्रॉस टू ऑर्डर का, क्लियर। दो आभियों का मल्टीप्लिकेशन आप इस सारे क्वेश्चन को करिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्वेश्चन को नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो पहला क्वेश्चन कर दिए, क्वेश्चन नंबर दो तीन चार, यानी कि आभियों का गुणा ही बताना है। अब क्वेश्चन नंबर आइए फोर पे, एक आभियु ए दिया है, एक आभियु बी दिया है, एक आभियु सी दिया है, तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर होगा ए प्लस बी माइनस सी के। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या करना भैया, एक आभियु दिया है ए थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का, एक आभियु दिया है बी थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का, ये सब पहले ही बता चुके हैं, ए प्लस बी बताना है और बी माइनस सी, ठीक ना। इस क्वेश्चन को करने की आवश्यकता है क्या, दो आभियों को जोड़ना घटाना कैसे होता है आप तुरंत कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, एक आभियु दिया है ए और बी, तो हमें बताना है थ्री ए माइनस फाइव बी परिकलित कीजिए, क्वेश्चन नंबर फाइव हम कर देते हैं। देखिए एक आभियु ए और आभियु बी, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का है, क्योंकि इसमें एक दो और तीन, और एक दो तीन यानी कि दोनों ही आभियु जो है थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर के हैं, तो हमें बताना है कि थ्री ए माइनस फाइव बी क्या होगा। देखिए 3a माइनस 5b का मतलब है कि 3 इंटू ए, ये पूरा का पूरा आभियु a है, ऊपर से आप देख लीजिए, माइनस 5 इंटू बी, और ये पूरा का पूरा क्या है आभियु b है। तो बहुत ही आसान है, हमको पता है कि ये जो है किसी भी आभियु में कोई भी स्केलर नंबर अदिश संख्या का गुणा होता है, ये जो है प्रत्येक अवयव के साथ गुणा हो जाता है। यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे थ्री यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ टू बचेगा, यहाँ पे थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा थ्री हो जाएगा, यहाँ पे थ्री मल्टीप्लाई होगा थ्री से थ्री कट जाएगा, क्या आएगा फाइव, क्लियर है। इसको फटाफट कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा वन, यहाँ पे हो जाएगा टू, यहाँ पे हो जाएगा फोर, यहाँ पे हो जाएगा सेवन, यहाँ पे हो जाएगा सिक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा थ्री थ्री कट जाएगा तो बचेगा टू। तो बहुत आसान है इस क्वेश्चन में, यही मुख्यतः सीखने वाली जो चीज़ है कि किसी आभियु में कोई स्केलर नंबर अदिश संख्या मल्टीप्लाई होता है, वो नंबर हर जगह मल्टीप्लाई होता है आभ्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ। फाइव का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो फाइव से फाइव कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा टू, यहाँ पे हो जाएगा थ्री, फाइव का वन में होगा तो फाइव हो जाएगा, उसी तरह से आगे भी। अब उसके बाद क्या करना है, एक आभ्यू ये हुआ, एक आभ्यू दोनों को घटा देना है, तो ये तो आभ्यूह का जोड़ घटाना आपको पता ही है, इसको फटाक से कर दीजिए, ठीक ना। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा था लेकिन है, टू टू के साथ घटेगा जीरो, थ्री थ्री के साथ घटेगा जीरो, फाइव फाइव के साथ घटेगा जीरो, वन वन के साथ घटेगा, ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक ना। ये देखिए जीरो जीरो, तो ये चीज़ फाइनली हमारा आया, यहाँ पे जो थ्री ए माइनस फाइव बी का जो आंसर हुआ वो तो जीरो हुआ। इस चीज़ को एक बड़ा सा जीरो लिख दीजिए, जीरो आभ्यू, जीरो आभ्यू क्या होता है, जिसके प्रत्येक अवयव जीरो हो, इसमें से एक भी आभ्यू अगर जीरो नहीं हुआ, एक भी एलिमेंट, एक भी अवयव जीरो नहीं हुआ तो आभ्यू क्या होता है, जीरो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉस थीटा इंटू ये हमारा एक आभ्यू है और इंटू साइन थीटा, ये क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लीजिए, आप चाहे तो नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर सिक्स तुरंत हो जाएगा। क्या करना है, कॉस थीटा ये हर जगह मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा जो है यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, फिर दो आभ्यू क्या होंगे बनेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन का जो पहला, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये एक्स माइनस वाई है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सातवें का पहला और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। ये पहला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हम बक कर देते हैं, सातवें का पहला बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे एक्स प्लस वाई, ये एक आभ्यू दिया है एक्स माइनस वाई, हमें बताना है एक्स और वाई का मान, ठीक ना।
क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, यहाँ पे एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करिए, बहुत आसान है। देखिए क्लास एट्थ से ही आप सीखते आए हैं या क्लास नाइन्थ में आप सीखे थे कि दो इक्वेशन और दो अननोन हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान है। सिंपली क्या करेंगे, समीकरण एक और दो को ऐड कर दीजिए। समीकरण एक और दो को ऐड करेंगे तो बायां पक्ष बायां के साथ ऐड होगा और दायां पक्ष दायां के साथ। इसमें क्या होगा, देखिए एक्स प्लस वाई है इधर, अब प्लस यहाँ पे क्या है एक्स माइनस वाई, क्लियर है। इधर का जो एक आव्यूह है इस 7025, यहाँ पे प्लस ये आव्यूह 3003 इसके साथ ऐड हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे वाई है और यहाँ पे क्या है ये माइनस वाई है, कट जाएगा। तो फाइनली क्या आया, एक्स एक्स हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2x और ये दो आव्यूह ऐड हो जाएंगे, 7 3 ऐड हो जाएगा 10। इसलिए सारा चीज जो है जोड़ घटाना पहले ही बताया गया, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन में जो टेक्निकल क्वेश्चन है वहां पे यूज होता है, ठीक ना। 2 0 के साथ ऐड होगा 2 हो जाएगा, 5 3 के साथ ऐड होगा 8 हो जाएगा, क्लियर है। हमें बताना है एक्स का मान, एक्स जो है यहाँ पे एक्स 2 जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो बराबर किधर भेज देंगे, तो क्या करेगा ये डिवाइड करने लगेगा। वैसे ही नियम है जैसे इसके पहले के सारे मैथमेटिक्स में यूज किया जा रहा है, क्लियर है। अब जो है इसके बाद क्या है, इस क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसमें सारी चीजें आप सीखते हैं। अब ये 1/2 है, 1/2 का मतलब कह सकते हैं कि इस आव्यूह में 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड होगा तो ये हर एलिमेंट में होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा 2 से डिवाइड होगा, 4 हो जाएगा। तो दोस्तों जो x आया, जो आव्यूह x आया वो हमारा क्या आया 5014, क्लियर है। ये भी 2x2 और आव्यूह आया। अब बताना है हमें y, ठीक ना। y बताने के लिए क्या करेंगे, इसमें समीकरण एक या दो में हम x का मान रख देंगे, यहां पे हम लिख देंगे समीकरण एक में x का मान रखने पर, ठीक है। तो जो समीकरण एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, क्लियर है, तो वहां पर रख देते हैं। यहां से ये x है ये y, तो y का मान हमें बताना है तो बहुत आसान है, y इज इक्वल टू हो जाएगा इस आव्यूह को बराबर कुधर ले जाएंगे, ये बराबर कुधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब दो आव्यूहों को कैसे घटाते हैं आप कर लीजिए, तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो सातवें का पहला था मैंने किया, क्वेश्चन नंबर सातवें का जो है दूसरा जो करके आप बताइए, बहुत जरूरी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगर दूसरा जो कर दिया तो वो हमें भैया अपने कमेंट बॉक्स में करके बताएगा कि हाँ सर मैंने कर लिया है। जो भी बच्चा करके बताएगा उसका हम नाम लेंगे और उसे किसी न किसी रूप में जरूर प्रशंसा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर एट, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए, जहाँ पे वाई बहुत आसान है, ये वाई हमारा ये है 2x + y, तो ये तो यहाँ पे बहुत ही आसान है। वाई का मान यहाँ पे दिया है, वाई यहाँ पर रख दीजिए 2x, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर एट तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए, इसमें एक्स और वाई हमें बताना है, ठीक ना। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसमें क्या है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे आव्यूह में, तो 2 का 1 के साथ होगा 2, 3 के साथ होगा 6, 0 यहाँ पे ये हो जाएगा 2x, क्लियर है। सबको पता है कि किसी भी एक अदिश का जो मल्टीप्लाई करते हैं वो हर जगह हो जाता है। यहाँ पे क्या है, वाई है 0 है, यहाँ पे 1 है 2 है, क्लियर है। यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया 5 6 1 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आव्यूह और ये आव्यूह दोनों ऐड होंगे, तो ऐड होंगे तो क्या होगा यहाँ पे 2 + y, क्लियर है। 6 0 के साथ ऐड होगा 6 ही होगा, 0 1 के साथ होगा 1 हो जाएगा, 2x यहाँ पे हो जाएगा 2x + 2, क्लियर है यहाँ पे, और ये बराबर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, सिस्टमेटिक वे में चीजें हो रही हैं, कोई भी चीज जो गणित के नियम के खिलाफ नहीं हो रहा है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे दो आव्यूह बराबर हैं तो सबको पता है कि ये एलिमेंट इसके बराबर होगा और ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, क्योंकि हमें x और y का मान बताना है, ठीक है। 6 6 के बराबर है ही, 1 1 के बराबर है, तो यहाँ पे 2 + y जो बराबर हो जाएगा 5 के, तो यहाँ से जो y का मान आएगा ये हो जाएगा 5 - 2 = यहाँ पे 3, तो y का मान 3 हो गया, और 2x + 2 बराबर होगा 8 के, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 2 = 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x = 6, x की वैल्यू जो आ जाएगी 3, ठीक ना। तो ये x का मान आया और ये y का मान आया। अब देखिए सारे क्वेश्चन इसके बाद जो है बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 9 होंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 नोट करिए, ठीक ना, एक्स वाई जेड टी के लिए हल कीजिए, यानी कि एक्स वाई जेड टी का मान बताना है। यहाँ पे भी एक्स वाई का मान बताना है, यहाँ पे क्या बताना है, एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू के मान को ज्ञात कीजिए। इस सारे क्वेश्चन नंबर 13 आप रहने दीजिए, थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो आपको, तो उसे हम कराएंगे, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप चाहे तो 14 भी कर सकते हैं। इसमें बताना है कि ये जो दो आव्यूह का मल्टीप्लाई हो रहा है 5 - 1 = 6 - 7 = 2 - 1, देखिए इसको समझिए ए, ठीक ना, इसको समझिए बी, और यहाँ पे ये बी पहले है और यहाँ पे क्या है ए। तो कुल मिला के हमें यही दिखाना है कि जो आव्यूहों का जो गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि ए इंटू बी करें चाहे बी इंटू ए करें, ये कोई जरूरी नहीं है कि बराबर आए। ऐसा हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी क्या करना है आपको दिखाना है। क्वेश्चन नंबर आप 14 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें भी वही चीज करना है, ठीक ना, इसमें भी वही करना है। ये आव्यूहों का जो गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, वहां पे 2×2 ऑर्डर का था, इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन में 3×3 ऑर्डर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमें 15, 16, 17, 18, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए इतना क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं ना तो आपको कभी भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 तक भी करके जाएं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आज के लिए बस इतना ही, हम चाहते हैं कि जितना भी क्वेश्चन हम बताएं उसको आप पूरा करें, स्वयं से करें, और साथ में ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में है, ठीक ना, ये जो उदाहरण है पेज नंबर यहाँ पे आप देख लीजिए 86 में जो एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, 17, ये सारे क्वेश्चन आप खुद से करें तो आपका एक अभ्यास भी होगा और इस पर पकड़ बनेगी, आप भी उपे क्या होगी पकड़ बनेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा होगा आव्यूहों का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूहों का परिवर्त क्या होता है, और उससे उसी से हमारा कॉन्सेप्ट निकलेगा कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। तो आपको बहुत प्रकार के आव्यूहों को अध्ययन करना है, आव्यूहों का अभी तक आपने जोड़ घटाना गुणा भाग सीख रहे हैं, ठीक ना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज चल रहा है, बहुत आसान है और बहुत कठिन भी नहीं होता, एग्जाम में आपको बहुत आसानी से नंबर देता है। तो अगर ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगी, तो कोशिश करिए कि हम छोटा छोटा लेक्चर ही बना रहे हैं, 20 से 22 मिनट 25 मिनट, क्योंकि ज़्यादा लेंदी इसमें उतना पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी हमें क्या है पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।